अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। उसके अंदर एक टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है बोर्ड में, वैसे भी ज़रूरी है क्योंकि उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं। उसका नाम है जी वैक्टर प्रोडक्ट। तो इससे पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, वो कम्प्लीट वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और इधर मैं पिन भी कर रहा हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हो। उससे पहले मैंने ना कुछ 10 मिनट की एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि भाई प्रोडक्ट और वैक्टर से क्या मुराद है। उसके अंदर हमने को ये जाना था कि यार दो वेक्टर्स को ज़रब दिया तो कभी जवाब स्केलर क्वांटिटी आ गया, और दो वेक्टर्स को ज़रब दिया तो जवाब वेक्टर क्वांटिटी आ गया। तो जिन दो वेक्टर्स को ज़रब दिया और जवाब वेक्टर क्वांटिटी आ गया उसको हमने कहा था वेक्टर प्रोडक्ट। और उसको स्केलर प्रोडक्ट से अलग करने के लिए हमने एक निशानी रखी थी कि स्केलर प्रोडक्ट को हमने डॉट से इंडिकेट करना होता है, और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हमने एक अलग से निशानी रखी थी, उसका नाम था क्रॉस। तो इसलिए इस टॉपिक का नाम है, अगर आप देखेंगे तो लिखा होगा, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो जो दूसरी वीडियो है उसका लिंक भी इधर डिस्क्रिप्शन में भी है और इधर पिन भी कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। खैर, आगे से पढ़ते हैं कि भाई वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मतलब ये बना कि इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स एंड रिजल्ट्स आर, इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स रिजल्ट्स आर वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि अगर हम दो वेक्टर्स को ज़रब दें और जवाब आ जाए वेक्टर क्वांटिटी, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसमें ना समझने वाली चीज़ ये है कि इसको वेक्टर प्रोडक्ट तो कहते हैं इसकी नेचर की वजह से, और क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं इसकी इंडिकेशन की वजह से, रिप्रेजेंटेशन की वजह से, कि भाई इन्हें हमने रिप्रेजेंट किस अंदाज से करना है, तो उसके लिए क्रॉस। अब हमारे पास, इसको हम आगे लेके चलते हैं, हमारे पास सपोज वी आर टू वेक्टर्स, ठीक है, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, इनको आपने क्रॉस प्रोडक्ट देनी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं इनको क्रॉस प्रोडक्ट दूंगा तो मैं लिखूंगा ए, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, तो इंडिकेशन के लिए क्रॉस, तो आंसर जो आएगा ना वो आएगी एक वेक्टर क्वांटिटी। सपोज आंसर आपके पास आया है वेक्टर सी। अब जाहिर सी बात, अगर वेक्टर सी आया है यानी कि वेक्टर आया है, तो ये भाई तो कहेगा भाई मेरे पास तो दोनों चीज़ें हैं। मैंने कहा भाई क्या क्या है, मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन, मतलब कि अब इस ए और बी के किस तरह हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकले और इसकी डायरेक्शन भी पता लग जाए। मींस कि यहाँ पे तो पता लग गया ना कि भाई ए को बी से ज़रब दी, दो वेक्टर्स को ज़रब दी जवाब वेक्टर। अब जो वेक्टर आया है वो तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मांगेगा कि मुझे एक मैग्नीट्यूड भी दो, मुझे डायरेक्शन भी दो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कैसे करना है वो आज हमने देखना है। तो सपोज हमारे पास अगर दो वैक्टर्स हैं, उन्होंने हमने मल्टीप्लाई किया और जवाब आ गया वैक्टर सी, तो इसे लिखेंगे कैसे। तो अगर मैं सिंपल बोर्ड पर बनाऊँ, सिंपल इधर, तो मैं कहता हूँ कि फर्ज कर लो, ये एक मैं आम जुबान में आपको फिलहाल के लिए सिर्फ समझाऊंगा, इसकी जो कंप्लीट डायग्राम है मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। ये आपके पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने ए का, ए के ऑपोजिट जो दूसरा वेक्टर है बी, उसका वो कंपोनेंट ढूंढना है जो ए के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ रहा हो, ठीक है। तो अगर मैं बी के दो कंपोनेंट्स बनाऊं तो यूं बनेंगे, ये थीटा है, ये बी एक्स और ये थीटा के सामने वाला बी वाई। तो इसे लिखेंगे यूं कि भाई ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट पहले की तरह ही, ठीक है, इनटू कंपोनेंट ऑफ सेकंड परपेंडिकुलर टू फर्स्ट, ठीक है। और इसके साथ इधर आएगी एक टर्म डायरेक्शन। मैंने कहा यार ये कैसे, लिखते हैं जरा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का वो कंपोनेंट जो ए पे परपेंडिकुलर है, तो थीटा के सामने अगर आप देखो तो ये पैरेलल है, सपोर्टिंग कर रहा है, और बी वाई इसके परपेंडिकुलर, तो बी वाई इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम इधर सपोज अपनी तरफ से एक वेक्टर लिख लेते हैं
यूनिट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन का जो वेक्टर इस्तेमाल होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। तो एन हम अपनी मर्जी से एक बार लिख लेते हैं, इसको आगे समझाते हैं। तो क्या होगा, ये बन जाएगा ए, बी होता है ये बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट। इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी इसके बराबर है, ठीक है। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए समझाया है। हकीकत में अब हम एन की सेंस में मैं पूरी डायग्राम को दोबारा ड्रा करूँगा, फिर आपने देखना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट और दूसरे का वो कंपोनेंट जो पहले के परपेंडिकुलर हो तो वो साइन थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो होती है ए बी साइन थीटा। तो अगर आप इसे गौर से देखो तो ये वाली चीज़ आपको क्या दे रही होगी, रिजल्टेंट वैक्टर का मैग्नीट्यूड, मीन्स के जो सी है उसकी ये मैग्नीट्यूड है, और ये जो एन है ये उसकी क्या देगा, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी मिल गया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा कि भाई ए के मैग्नीट्यूड को बी से ज़रब दे देंगे और साइन ऑफ एंगल ले लेंगे जो उन दोनों के दरमियान में हो, क्लियर। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ जाएगी। अब डायरेक्शन का रोल है, डायरेक्शन के लिए हम एक रूल यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं आर एच आर, इसे फुल फॉर्म में बोलते हैं राइट हैंड रूल, या राइट हैंड रूल लगाएंगे। भाई राइट हैंड रूल कैसे लगाएंगे वो ज़रा देखते हैं, और डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूँ, इस साइड पे करते हैं। अच्छा जी, अब डायग्राम को रीड्रा करते हैं और एक प्लेन में करते हैं। फर्स्ट कर लो, ये मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है, ठीक है, इस तरह एक प्लेन बना हुआ है, ये प्लेन, ठीक है, ये आपके पास प्लेन है। इसके अंदर है जी आपके पास दो वैक्टर्स, एक तो इधर डायग्राम नहीं सही बनती, और ये वेक्टर पड़ा हुआ है आपके पास बी, और इन दोनों के दरमियान में एक एंगल थीटा, ठीक है। अब क्या है कि ये आपके पास है यूं, फर्ज कर लो कि आपका हाथ है तो इसमें ये वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी यूं करके। अब हमने देखनी है कि डायरेक्शन जो बन रहा है आपका रिजल्टेंट, यानी कि जो सी बना था उसकी डायरेक्शन, अब क्या करना है इसके लिए राइट हैंड जो रूल है वो यूज़ करना है। उसके मुताबिक क्या है कि जब आपने ए को बी से ज़रब देनी है तो आपने क्या करना है, वेक्टर ए पर अपनी उंगलियां करनी है राइट हैंड की और उन्हें वेक्टर बी की जानिब लेके जाना, ठीक है। ये देखें, ये वेक्टर ए आ गया, इसको आप बी की तरफ लेके जाओ यूँ, ठीक है। अगर मैं बोर्ड की एग्जांपल लूँ तो बोर्ड पर जैसे ये बने हुए हैं, इसको छोड़ें एक बार इसे देखें, तो मैं देखूँ तो जो ए वैक्टर यूँ बना हुआ है इधर उंगलियाँ रखने और इसे बी की तरफ लेके जाने। अब बी की तरफ मैं भाई दोनों तरफ से लेके जा सकता हूँ, या तो यूं ले जाऊँ, ये देखो ए यूं, या देखो यूं ले जाऊँ ए पूरा घुमा के ऐसे, ए हाथ ये ऐसे रख के ए ऐसे घुमा कर पूरा। लेकिन राइट हैंड रूल कहता है कि कर्ल्स दी फिंगर्स फ्रॉम वैक्टर ए टू बी, यानी कि वैक्टर ए की डायरेक्शन में फिंगर्स रखो और उसे ए से बी लेके जाओ दूसरे की तरफ। कैसे, थ्रू स्मॉलर एंगल। तो अगर आप देखो तो इनके दरमियान में एक एंगल ये भी बनता है और एक एंगल ये बनता है, दो एंगल बनते हैं। कौन से एंगल से लेके जाने हैं, स्मॉलर एंगल से। स्मॉलर एंगल कौन सा है, जाहिर सी बात है यहाँ से ये वाला, अगर मैं यूं घुमा के लेके जाता हूँ तो ये बहुत लंबा एंगल है। स्मॉलर एंगल से आपने ए से बी की तरफ लेके जाना है, और जो अंगूठा होगा आपका थंब, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, यानी कि जो आंसर आ रहा होगा, रिजल्ट आ रहा होगा, उसकी डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन में होगी। तो अगर इधर हम बनाएं, थ्री में 3D इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन नहीं रही भाई। तो इसके अंदर क्या है कि ये ए है तो ये बी है, मतलब ये ए है ये बी है इसकी डायरेक्शन में, तो इनका जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, ठीक है, एन यूनिट वेक्टर। तो अगर हम इस लेंथ की बात करें तो ये जो वेक्टर है इसकी जो लेंथ होगी वो असल में इसका मैग्नीट्यूड होगा, और जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। तो बुक ने कुछ यूं ही करके डायग्राम बनाई है कि उसने कहा कि ये फर्ज कर लो, एक मिनट, ये फर्ज कर लो प्लेन है, इसमें वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो आपने ए से, या दिखे, ए से बी की तरफ जाना है, तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब है कि इधर अगर मैं लिखूँ तो मैं लिखूँगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, ये बन जाए, ठीक है। तो ये आपके पास है क्रॉस प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब जैसे हमने क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में किया था, इसका रिवर्स के भाई अगर बी को ए से ज़रब दें तो फिर क्या बनेगा, ज़रा वो भी कर लेते हैं। तो बी को जब मैं ए से ज़रब दूंगा तो उसको मैं इधर लिखता हूँ ज़रा, तो मैं कहता हूँ कि भाई बी क्रॉस ए, तो ये आएगा बी, पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है वो ए वाई इंटू
एन यूनिट वेक्टर, तो क्या बनेगा बी ए साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, तो आंसर बन जाएगा ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो एक बच्चा उठा, उसने कहा सर क्या बात है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, इसका मतलब ये बना कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, लाइक डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। और मैंने कहा यार सबर तो कर लो, नहीं 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 सर, नहीं नहीं यही है नजर आ रहा है सर, ये ए क्रॉस बी का आंसर है और ये बी क्रॉस, तो दोनों आंसर बराबर है, तो अगर लेफ्ट राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर। और मैंने कहा रुक तो सही, वो कहता नहीं सर ये, मैंने कहा यार डायरेक्शन तो देख भाई डायरेक्शन, सर डायरेक्शन क्या करनी है, बी में बी को घुमाना है की तरफ, तो मैंने कहा चल घुमा। उसने कहा सर एक बार डायग्राम बना लेते हैं दोबारा, तो जरा मैंने कहा घुमा तो सही, तो ये ए था आपका, ये बी था, इनके दरमियान में एंगल थीटा था, ये बी इधर बना लेते हैं, और ये मैंने कहा यार घुमा तो सही, क्या करना है अब, पहला वेक्टर कौन है बी, बी को ए की तरफ लेके जाना है, कहता है ये देखें सर पहले हमारे पास ये था ना, तो अब बी को ए की तरफ लेके आना है, ये ए बना हुआ था ये बी बना हुआ था ऐसे ही, अब बी को एक तरफ, मैंने कहा लेके आ, मैं कहा अब तेरी मैं उंगलियाँ तोड़ूंगा, उल्टा घुमा उंगलियों को, नहीं घूमेंगी। तो उसने कहा सर अगर तो मैं इधर से लेके जाता हूँ ना तो स्मॉलर एंगल ये बनता है, और अगर मैं ऐसे घूम के आता तो ये लार्जर बनता है, जिससे राइट हैंड रूल की डेफिनेशन गलत हो जाएगी, तो मैं स्मॉलर से ला ही नहीं पा रहा, तो मेरे लिए मसला वही है मैं बड़े से लूँ। मैंने कहा ना लाना स्मॉलर से, फिर उसने कहा फिर सर क्या करें, मैंने कहा ये देख अंधे ऐसे कर, ये देख अब क्या है कि मैंने बी की तरफ रख दिया, बी से ए की तरफ घुमा, ये देखो ये बी है ऐसे पड़ा ना, बी बी से ए की तरफ घुमाओ तो अंगूठा कहाँ आ रहा है नीचे, तो पहले ए से बी की तरफ था तो अंगूठा ऊपर था, तो अब क्या हो रहा है कि अब जो इनका रिजल्टेंट बन रहा है सी भाई साहब, उसका जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो पहले ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी ये आया था, अब क्या हो रहा है कि अब भी आंसर आपका बन रहा है ए बी साइन थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर, बट अब जो बी आ रहा है वो पहले वाले सी का क्या आ रहा है, नेगेटिव। मींस कि देखो ए बी साइन थीटा और ए बी साइन थीटा सेम है, मतलब कि मैग्नीट्यूड जो पहले था वही बाद में है, क्लियर। मसला कहाँ आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि बी सी भाई साहब पहले ऊपर की तरफ थे, ठीक है ना, ये सी है वेक्टर जो है ए बी साइन थीटा, ये भी वेक्टर सी है जो है ए बी साइन थीटा, लेकिन इसका नीचे है तो ये माइनस सी है, इसका मतलब है कि पहले आंसर ए बी साइन थीटा आ रहा था एन यूनिट वेक्टर ऊपर की तरफ, अब वही वेक्टर बन गया नीचे की तरफ, तो अगर वेक्टर ऊपर हो वैल्यू वही रहे मैग्नीट्यूड वही रहे नीचे हो जाए तो उसी वेक्टर को हम नेगेटिव कहते हैं, यानी कि ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर अब माइनस सी के बराबर है। इसका मतलब क्या बना भाई, इसका मतलब ये बना कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मीन्स कि यहाँ पर वायलेशन हो रही है कम्यूटेटिव लॉ की। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि भाई 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 स्केलर्स में, तो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन स्केलर में भाई वो कहता है ना 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 ना, स्केलर में कहता है भाई इधर ऊपर इधर नीचे मैं बराबर ही नहीं हूँ बराबर, तो अगर बराबर नहीं है तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू भाई बी क्रॉस ए, क्लियर कहानी। तो अब हम आगे चलते हैं इसके क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है। अब प्रैक्टिकली ये कहां पर यूज होता है ये जरा देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है भाई टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, कि भाई मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय दी फोर्स, ये हम आगे भी पढ़ेंगे टॉपिक आएगा। उसके बाद इसकी सेकंड एग्जांपल है दी फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो V क्रॉस B इज इक्वल टू F, तो देखो ये क्रॉस है, इसका मतलब है कि क्रॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, वेक्टर को स्केलर से ज़रब देंगे तो फिर भी आंसर वेक्टर आएगा, ये है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, ये होता है R क्रॉस B, पांचवें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये कुछ इसकी एग्जांपल है, टॉर्क, फोर्स ऑन अ चार्ज, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और लास्ट में एंगुलर मोमेंटम, ये इसकी कुछ एग्जाम्पल है। खैर जैसे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ करेक्टरिस्टिक से खसूसियात थी, वैसे ही डॉट प्रोडक्ट की थी, वैसे ही हमारे पास कुछ खसूसियात क्रॉस प्रोडक्ट की हैं, तो ज़रा वो देखते हैं। इसमें एक खसूसियत है जो चौथे नंबर पर है, वो बड़ी लंबी खसूसियत है, तो वो भी हम खैर हाल करेंगे, तो वहाँ पर
आपने उसे गौर से देखना है और वीडियो को शायद आप टेस भी कर सकते हो, लेकिन आपने समझना उसे बड़े ध्यान से, क्योंकि वही आगे यूज़ होनी है जब हम जो प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स जो करते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहला हम इधर लिखते हैं जी, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, कि भाई वेक्टर प्रोडक्ट की खसूसियात। सबसे पहली खसूसियत तो हमने देखी ये वाली, वायलेशन ऑफ कमोटेटिव लॉ ओवर मल्टीप्लीकेशन। क्या वो क्या कह रहा था वायलेशन में, ये सीन बना वायलेशन में कि भाई जो ए क्रॉस बी था वो नॉट इक्वल बना था बी क्रॉस ए के। हाँ, अगर मैं इसको ये कह दूँ कि भाई जो ए क्रॉस बी था वो आपने देखा था सी के बराबर था, और जो बी क्रॉस ए था वो बराबर था माइनस सी के, तो आप सी की इधर वैल्यू को पुट कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस इनटू सी की वैल्यू क्या है ए क्रॉस बी। इसका मतलब है कि ये ट्रू हो सकता है कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस माइनस का चलो उधर ले लो, बुक ने कुछ यूं करके लिखा है कि माइनस दूसरी तरफ लेगी, तो बुक ने कहा कि भाई ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस सी की वैल्यू पुट कर दो इधर, तो आ जाएगी बी क्रॉस ए। ये हो सकता है, पर ये वाला जो चीज़ है मतलब नॉट इक्वल हो सकता है, इक्वल सिर्फ तब हो सकता है कि जब वो माइनस के साथ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई ए क्रॉस बी, ये डंडों का मतलब है मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है ए बी साइन थीटा के, और अगर बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड देखो तो वो किसके बराबर है ए बी साइन थीटा के, तो रोला कहाँ आ रहा था डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन की वजह से ये काम हो रहा था, इसलिए मैग्नीट्यूड के सेंस में ये बराबर है, सॉरी ये वेक्टर्स है ठीक, तो मैग्नीट्यूड के सेंस में कहानी सेम है लेकिन डायरेक्शन की वजह से उल्टा है, तो ये कहना जायज़ है, ये कहना जायज़ है। लेकिन कोई बंदा आप में से ये कह दे बैठा हुआ तो ये नाजायज़ है, ये नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर वायलेशन हो रही है कम्यूटेटिव लॉ के, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। ये था आपका पहला। दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब वो दो वेक्टर्स हैं जो एग्जैक्टली एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, मींस डैट इज जो उनका थीटा है ना भाई, अबे यार थीटा जो है वो बराबर है 90 डिग्री। तो ज़रा इन्हें चेक कर लें भाई क्या सीन बनता है। अगर मैं कहूँ कि वेक्टर ए और बी एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा ए बी साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा 90 इंटू एनी यूनिट वेक्टर। साइन 90 मैथ वालों ने पढ़ा होगा या बाकियों ने भी मेडिकल वालों ने भी पढ़ा होगा कि साइन 91 के बराबर होते हैं अपने मैट्रिक की क्लासेस में, तो फिर ये क्या बनेगा ए बी वन इंटू एन यूनिट वैक्टर विच इज इक्वल टू ए बी इंटू एन मैगनीच वो एन यूनिट वैक्टर। इसका मतलब क्या बना कि प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है तो फिर ए बी एन यूनिट वैक्टर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो आगे हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वैक्टर्स कि भाई यूनिट वेक्टर की सेंस में क्या सीन बनेगा। सॉरी, अब यूनिट वेक्टर्स आपके पास कौन से हैं आई जे और के, तो इसकी मैं एक छोटी सी इधर नन्ही सी डायग्राम बनाऊंगा। ये आई होता है, ये जे भाई होते हैं, और ये जो के भाई है ना भाई ये यूं है, ए यूं बना रहा हूं, ए यूं आई जे के, क्लियर। अब मैं अगर कहूँ ये वाला आई क्रॉस जे, तो भाई रूल ये था कि पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड साइन, इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है 90। आगे कहानी फंसेगी यूनिट वेक्टर पे, डायरेक्शन पे, उनका क्या, उसने कहा सर रूल लगाए क
क्या करना है, राइट हैंड रूल क्या बोलता है भाई, कि पहले को दूसरी की तरफ घुमाओ, देखो आई को जे की तरफ घुमाओ, तो ये आई है, इसको जे की तरफ घुमाओ, तो आंसर इधर आ रहा है। तो इधर मैंने क्या कहा था, इधर जेड है, जेड मीन के है, तो इसका मतलब है कि इधर क्या आ जाएगा, के यूनिट वेक्टर, वन 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 के, तो आंसर क्या बचेगा, के, ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर के बना। तो अगर आप में से कोई बच्चा कहे सर जे क्रॉस के किसके बराबर होगा, तो क्या आएगा, पहले का मैग्नीट्यूड वन, अगले का वन, अगले के लिए साइन 90, क्योंकि ये सारे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, बट अब के को जे की तरफ घुमाना है, सॉरी जे को के की तरफ घुमाना है, तो जे ये था यूं, के किधर था, आपकी तरफ था, तो जे को के की तरफ घुमा दो, अंगूठा इधर आ रहा है, और इधर कौन रहते हैं भाई, आई रहता है भाई इधर, तो क्या आ जाएगा, आई, वन 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 इंटू आई, तो आंसर क्या बनेगा, आई, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो लास्ट वाला भी मैं करता हूं, फिर आगे इसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। आगे करते हैं लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या है, के क्रॉस आई, वन वन साइन 90 इंटू, आगे कहानी फंसेगी, के किधर रहता है, इधर, इधर रहता है, के की तरफ उंगली करो, कहाँ घुमाना है, आई की तरफ, आई, के से आई, अंगूठा ऊपर आ रहा, ऊपर कौन रहता है भाई, जे, तो क्या मतलब है, ओहो ब्लैक पॉइंटर किधर गया, जे, तो क्या बनेगा, वन 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 जे, आंसर जे बना। इसका मतलब है कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, एंड के क्रॉस I is equal to J, clear? अच्छा, अब कोई बच्चा कहे कि सर ये तो बताएं जरा, J cross I क्या होगा? आप में से कोई होशियार बच्चा जल्दी से कमेंट कर दे कि क्या होगा, यहां पर बताना कि यूनिट वेक्टर क्या होगा। देखें, अभी देखें, J को I से जरब देनी है, अब देखें कि ये I है, ये J है, तो J को I से जरब देनी है, अगर मैं J को I से जरब दूं तो ये, हाँ अगर मैं यूं जाता हूं तो लॉन्गर एंगल है, यहां से शॉर्टर है, तो शॉर्टर एंगल के लिए मुझे हाथ ऐसे करना पड़ेगा, तो I J को मैं I की तरफ घुमा रहा हूं, हाँ J को I की तरफ घुमा रहा हूं, तो K इधर था, इधर पॉजिटिव था, तो उस साइड पे K क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव, तो आंसर क्या बनेगा, माइनस के। तो अगर इनके सब के उल्ट कर दो, तो K क्रॉस J कर दो, तो क्या बनेगा, माइनस I, और सेम इधर आई क्रॉस के करो तो क्या बनेगा, माइनस। इसका मतलब बबुआ ये बना कि अगर तो आप चलो एंटी क्लॉकवाइज तो आंसर है पॉजिटिव, और अगर चलो क्लॉकवाइज तो आंसर है नेगेटिव, क्लियर, क्लॉकवाइज नेगेटिव आंसर है। देखो यूं चलना है क्लॉक ने, तो क्लॉक मैं ग्रीन से बना देता हूं, तो ग्रीन के मुताबिक चलोगे तो क्लॉकवाइज आई से के आंसर आया जे, कौन सा जे, माइनस जे, के से जे, के से जे किया तो आंसर आया आई, कौन सा आई, माइनस आई, तो इसी तरह बाकी भी आप कर सकते हो। लेकिन यार इस पॉइंट को अगर आप गौर से देखो तो इधर कुछ और चीज़ समझ आ रही है, मुझे जो चीज़ समझ आ रही है वो ये है कि दी आंसर जो इस क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है, द आंसर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर, ये वो पॉइंट है समझाने वाला। देखो जिस प्लेन के अंदर, प्लेन जहाज नहीं दूसरे वाला, ये प्लेन है, देखो जी ये एक्स है, ये वाई है, तो ये एक्स और वाई, एक्स और वाई का प्लेन है पूरा, एक्स में अगर आपका एक वेक्टर पड़ा है और वाई में, एक्स और वाई के इस पूरे प्लेन में अगर वेक्टर पड़ा है, तो इनका जवाब इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, तो इसका परपेंडिकुलर यूं बनेगा। तो आपने देखा था कि आई यूं था, जे यूं था, तो इनका प्लेन ये बन रहा था, लेकिन इसका आंसर इस साइड पर, यानी कि के, ये जो के है ये यूं बना हुआ ना भाई, यूं इस डायरेक्शन में, तो आई को जे से जरब दी तो आंसर के में आया, मीन्स के इसका जो आंसर है वो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल जाता है।
तो सेम जब भी आप किसी को करोगे तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये कह दूं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, तो मैं आपको ये कह देता हूं कि फ़र्ज़ कर लो ये एक्स में था ये वाई में था, तो आंसर पता किस में आएगा, जेड में। ये समझाना चाह रहा हूं कि जो आंसर होता है वो उस प्लेन के, जाहिर सी बात है दो वेक्टर्स, दो आपके पास एक्सिस हो एक्स और वाई या एक्स और जेड या वाई और जेड, हमेशा दो चाहिए ना, तो जब भी दो होंगे आंसर तीसरे में निकल जाएगा। तो यहाँ से एक पॉइंट ये पता चला कि जिसमें भी दो वेक्टर्स पड़े होंगे उनके परपेंडिकुलर में आपका आंसर निकलेगा क्रॉस प्रोडक्ट का, उधर ही उसकी डायरेक्शन होगी। हाँ पॉजिटिव में हो सकती नेगेटिव, वो अलग कहानी है, लेकिन हमेशा आंसर उनके परपेंडिकुलर में निकल जाएगा। ठीक है जी, ये था आपका पॉइंट नंबर टू। अब आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर थ्री पर। पॉइंट नंबर थ्री क्या कहता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एल यानी कि एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर प्रोडक्ट निकाल दो, दो वेक्टर्स के जो पैरेलल भी हो सकते हैं या एंटी पैरेलल भी। इसका मतलब ये बना दैट इज कि थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है और थीटा 180 डिग्री भी हो सकता है। तो आओ करें, अगर मैं ए को बी से ज़रब दूं और इनके दरम्यान में एंगल 0 हो तो क्या आएगा, ए बी साइन 0 इंटू एनी, यही बनेगा भाई बाबा जी। अब इसको आगे आप देखो कि यहाँ पर ना भाई जो साइन 0 होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसको करो ए बी इंटू 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर, तो जब आप इसको इससे ज़रब दोगे तो आंसर आएगा 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर। 0 इस यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को 0 कर देगा, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी बन जाएगी, तो इसका मतलब है जो आंसर आएगा वो आपके पास नल वैक्टर आएगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नल वैक्टर इन केस ऑफ वैक्टर्स आर पैरल, ठीक है। अभी मैं करता हूँ एंटी क्लॉक वाइज, एंगल पुट करके 180, तो ए बी साइन 180 इंटू एन यूनिट वेक्टर। और आप लोगों की नॉलेज के लिए 180 भी 0, तो ज़रा आप पुट करें तो आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर, तो आंसर आएगा नल वेक्टर। यानी कि ए क्रॉस बी अगर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो आंसर हमेशा 0 ही बनेगा, 0 मीन यहाँ पर नल वेक्टर बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ जी आगे, इन टर्म्स ऑफ, यानी कि अब हमारे लिए फ़र्ज़ है कि हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स भी इसकी कहानी को लिखें। फिर वही मिनी सी इमेज बनाऊंगा इधर मैं, आई जे के, फिर बता रहा हूँ भाई ये आई है ये जे है, के आपकी तरफ है, ये के यू है। थ्री डायमेंशन इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ गालिब, लेकिन बनती नहीं है, क्या करूँ मैं कौन सा ड्राइंग मास्टर हूँ। शेर बन गया वैसे, अच्छा लगा। खैर अगर मैं कहूँ कि आई को मैं आई से ही क्रॉस प्रोडक्ट दे दूँ तो पहले का मैग्नीट्यूड 1 दूसरे का मैग्नीट्यूड 1, लेकिन साइन ऑफ 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर, तो 0 कहानी बनेगी नल वेक्टर। इसका मतलब है कि अगर जे क्रॉस कोई बंदा जे कर दे तो वो भी नल, और अगर के क्रॉस के कर दे तो वो भी नल, और लास्ट में सेल्फ मल्टीप्लिकेशन वाला एक मैं लिख लेता हूँ साथ में, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाला ज़रा मैथ में चले जाएंगे हम, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट में कहते हैं कि फ़र्ज़ कर लो कि एक वेक्टर ए है उसको मैं उसी से ज़रब देना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात अगर ए इस तरफ है तो दूसरा ए भी इधर होगा, तो पहले का मैग्नीट्यूड ए दूसरे का मैग्नीट्यूड ए साइन, पहला इधर है दूसरा इधर है, तो आपस में एंगल कितना बनेगा 0 इंटू एन यूनिट वैक्टर, ए का स्केयर इंटू 0 इंटू एन यूनिट वैक्टर, 0 इंटू एन यूनिट वैक्टर, तो आंसर आएगा नल वैक्टर। तो ए क्रॉस ए आल्सो इज इक्वल टू नल, तो इसे 0 भी कई जगह पर लिखा हुआ और किसी जगह पर इसे
नल वेक्टर की सेंस में भी लिखा हुआ है। तो आप जीरो की सेंस में भी इसे लिख सकते हो और नल वेक्टर की सेंस में भी इसे ड्रा कर सकते हो। तो वो मतलब मोस्टली करना तो नल वेक्टर की सेंस में चाहिए, लेकिन नल वेक्टर भी हमारी नज़र के अंदर जीरो ही होता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी। तो नल वेक्टर की सेंस में भी कर सकते हो और जीरो की सेंस में भी, ठीक है जी। इसमें क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉक, क्योंकि उसका रोल ही नहीं है। अगर पहला इधर है तो दूसरा भी इधर है, पहला जे इधर है तो दूसरा जे भी इधर है, और पहला के इधर है तो दूसरा के भी इधर है। तो ये तीसरा पॉइंट था। अब आ जाए जी इसका वो लंबे वाला पॉइंट, वो लंबे वाले पॉइंट को जरा आप सॉल्व करना है इधर बोर्ड पे, ठीक है। वो लंबे वाला पॉइंट ना हमारा स्केलर प्रोडक्ट का लास्ट पॉइंट था इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो पॉइंट नंबर 4, क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अभी ये जो मैं आप करूंगा, इसमें आप लोगों से मैंने कुछ चीजें पूछनी है, तो आपने जल्दी जल्दी बतानी है कि ये क्या बनेगा, ठीक है। तो जरा करते हैं। अच्छा, तो अगर मैं इधर वेक्टर लिखूं पहला, तो मैं पहले के लिए लिखूंगा ए वेक्टर किसके बराबर होगा, ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के, ठीक है जी। और दूसरे वेक्टर को लिखूं तो वो होगा बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के। तो आप इसका मतलब है कि जो इनका जवाब आएगा वो किसके बराबर होगा, सी, वो होगा सी एक्स आई, सी वाई जे और सी जेड के। तो सी एक्स, सी वाई और सी जे मतलब सी जेड के, यानी कि सी एक्स वाई और जो जेड हैं वो असल में इनकी वैल्यूज होंगी। वो वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, वेरिएबल्स हैं ना। तो अब हम इसे लिखते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले मैं लिखूंगा ए एक्स आई, ए वाई जे। यार जहां पर अगर मैं कैप शैप ना लगाऊ ना तो मुझे माफ करना, लो भाई ये सीन बनेगा सर, बनेगा बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट वाला ही सीन बनेगा, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट को ही जरा हम आगे एक्सटेंड करेंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट में जैसे कहता था वही वाला सीन। ये जो ए एक्स है ना भाई, इसने अब क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई करना है, मैथ देखो सिर्फ, इसने इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसने इन सबसे करना है, फिर इसने। तो करो जरा, सबसे पहले लिखेंगे ए एक्स आई क्रॉस बी एक्स आई, फिर ए एक्स आई क्रॉस बी वाई जे, फिर लिखेंगे ए एक्स आई क्रॉस बी जेड के, ठीक है, कहीं गलती हो बताना। आगे आ जाएगा प्लस ए वाई जे क्रॉस बी एक्स आई, प्लस ए वाई जे क्रॉस बी वाई जे, प्लस ए एक्स ए वाई जे क्रॉस बी जेड के, ठीक है जी। ये हो गई 6। उसके बाद ये लास्ट वाली इन सबसे, ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई, प्लस ए जेड के क्रॉस बी वाई जे, प्लस ए जेड के क्रॉस बी जेड के, यही बनेगा। इनमें अब वैल्यूज अलग कर लो, ये जो ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, ये वैल्यूज हैं, मतलब स्केलर वैल्यूज हैं। जो वेक्टर्स हैं असल में वो आई जे और के हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से ए एक्स और बी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो आंसर बनेगा आई क्रॉस आई। अगले में मैं ए एक्स और बी वाई कॉमन ले लेता हूँ, तो आंसर बनेगा आई क्रॉस जे, क्लियर। अगले में मैं ए एक्स और बी जेड कॉमन ले लेता हूँ, तो आंसर बनेगा आई क्रॉस के, ठीक है। अगले में मैं ए वाई बी एक्स ले लेता हूँ बाहर, तो जे क्रॉस आई। अगले में मैं ए वाई बी वाई कॉमन ले लेता हूँ, तो जे क्रॉस जे। अगले में मैं ए वाई बी जेड बाहर निकाल लेता हूँ, तो जे क्रॉस के। लास्ट आ गया जी, लास्ट लाइन ए जेड बी एक्स, तो क्या बचा, के क्रॉस आई। फिर अगले में मैं ए जेड बी वाई कॉमन, तो आएगा के क्रॉस जे। फिर ए जेड बी जेड कॉमन, तो आएगा के क्रॉस जे। हाँ भाई यहाँ तक देख लो, कोई मसला मसाइल हो तो पूछ लो, क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाओ जी इधर, जगह इसमें थोड़ी लगेगी ज़्यादा, तो इसलिए इधर। अब अगर आप याद करो तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि भाई आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू ज़ीरो या नल वेक्टर, यही पढ़ा है। और फिर हमने ये भी पढ़ा है भाई कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के
जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। फिर हमने इनका उल्ट भी पढ़ा है, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई और आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। ये हमने चीज़ें पढ़ी हैं, तो इन चीज़ों को ज़रा आपने इधर अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब मैं इन्हें जस्ट इधर अप्लाई करता हूँ, तो आप गौर से देखें, मैं इसको पूरे को नहीं लिखूँगा, मैं इधर सिर्फ देखूँगा कि ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, इन तीनों की जगह देखें, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस, इन सब की जगह आ जाएगा जीरो। तो इसका मतलब है ये टर्म भी माइनस होगी और ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म भी निकल जाएगी और ये टर्म भी निकल जाएगी, क्लियर। आ गया जी आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे की जगह आपने क्या पुट करना है, आई क्रॉस जे, आंसर बनना है के, तो पुट करें, तो आपने आगे पुट करना है, लेकिन मैं इधर पुट कर रहा हूँ, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किसके बराबर है भाई, के के, क्लियर। अब आ जाए जी आगे, प्लस आई क्रॉस के, आई क्रॉस के किधर है, आई क्रॉस के माइनस जे के बराबर है, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जेड इंटू माइनस जे, ठीक है जी। आगे देखते हैं जी, प्लस जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई किधर है, जे क्रॉस आई माइनस के बराबर है, तो क्या आ जाएगा, ए वाई बी एक्स माइनस के, क्लियर। ये वाली टर्म तो वैसे जीरो हो गई, क्योंकि जैसे ये जीरो हुई तो ये जीरो होगी। आगे बचा प्लस ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के ढूंढे में किधर है, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, ठीक है, प्लस ये टर्म भी निकल गया। आगे आ गई ये वाली ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई किधर है भाई, के क्रॉस आई भी जे के बराबर, प्लस ए वाई ए जेड बी वाई, तो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे किधर है जी, माइनस आई के। तो अगर आप गौर करें तो एक इसमें एक दो तीन चार पाँच छ टोटल इधर थी, नौ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, एक दो तीन माइनस होगी, बाकी बची छः, तो मैंने छः ली। इसमें गौर करें, तीन पॉजिटिव किए और तीन नेगेटिव किए, तो हम इनको रीअरेंज कर लेते हैं। ये देखें भाई, मैं पहले आई वालों को लिखता हूँ, तो आई वाले के लिए मैं लिखूँगा ए वाई बी जेड आई एड माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई वालों को लिख लेते हैं, तो आ जाएगा ए जेड बी जेड, किया कुछ नहीं, पहले ये लिख दी, फिर उसके बाद ये माइनस इधर मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया। आगे जी प्लस, पहले जे वाला लिख लें, प्लस का, जे वाला प्लस का ये है जी ए जेड बी एक्स जे माइनस, जे वाला माइनस किधर है जी, ये रहा ए एक्स बी जेड, ठीक है जी। आगे आ जाए जी प्लस, प्लस के वाला लिख लें जी ए एक्स बी वाई के माइनस, माइनस ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा ए वाई इंटू बी एक्स। अब ज़रा इनमें से कॉमन ले लें एक चीज़, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, इधर आई आना था ना, तो मैंने आई लिखा, प्लस ए जेड बी एक्स माइनस, इधर जे आना था, इधर के आना था, देखो ना ये के तो वैसे ही रहेगा ना साथ, उसी तरह ये माइनस आई भी वैसे ही रहेगा। अच्छा, तो ए एक्स बी एक्स, और आगे आ जाएगा जी ए एक्स और बी जेड इंटू जे, प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स। इन टर्म्स के अंदर मैंने कहा था ना, उनका जवाब जो आएगा वो एक वेक्टर सी आएगा, जो किसके बराबर होगा, सी एक्स आई सी वाई जे प्लस सी जेड के। तो इनके अंदर देखें, ये जवाब आया इनका, ये भी वही है, मैंने कहा भी वो कैसे है, उधर सी एक्स है, तो असल में ये जो सारी टर्म है ये आपकी सी एक्स है, ये जो सारी टर्म है ये आपका सी वाई, और ये जो सारी टर्म है ये आपके पास सी जेड है, आई जे और के वैसे। तो अगर आप अपनी बुक देखें तो आपका फाइनल आंसर ये है। तो ये था वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट देना इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्लियर। अब हम इसको एक और आसान तरीके से करते हैं, ठीक है, वो देखना है, इसको मैं वैसे ही रहने दूंगा, अगर किसी ने नोट करना था तो थोड़ा सा पीछे जाकर दोबारा, मतलब इसको पॉज करके नोट कर सकता है। तो
अब जरा इसको आसान तरीके से हल करते हैं। आसान तरीका है भाई साहब हमारे पास डिटर्मिनेंट वाला। उसमें क्या होता है कि आपने ए क्रॉस बी को जब निकालना हो तो क्या करते हैं, हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं 3x3 का, जिसमें 3 कॉलम और 3 रोज हों। तो पहला है जी आई लिखते हैं, दूसरा है जी जे और तीसरा है जी के। ये इन डिटेल मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं जो FSC में मैथ पढ़ रहे हैं तो वो चैप्टर 3 के अंदर इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अंदर जो पहला है पहले उसे पहले को लिखेंगे AX, AY, AZ, फिर दूसरा है BX, BY और BZ। तो आप दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो अब मैं करवाऊँगा ये ज़्यादा आसान है क्योंकि यही बुक ने सिलेक्ट किया है। करते कैसे हैं कि इसमें जो पहले हमने आई को पकड़ना है, स्टार्ट में हमारे पास आई है तो आई को पकड़ लिया। इधर क्या करना है, हमने इसकी रो को इसमें हमारे पास ना एक टर्म होती है ऐसे करके, असल में ये ऐसे होते हैं -1 की पावर, जो इस आई को पकड़ना है तो आई की जो रो है वो प्लस जो आई का कॉलम है वो लिख देना। तो आई की पहली रो है पहला कॉलम, -1 की पावर आ जाएगी 2 into i। अब आई के अलावा आई की रो भी निकाल देनी है और आई का कॉलम भी उड़ा देना, तो जो बचेगा वो लिखना है AY AZ। ये जब हो जाएगा तो फिर मैं आपको एक और नई चीज़ बताऊंगा इसके बारे में जो हमने पॉइंट नंबर 2 में पढ़ी थी। ठीक है जी, अब आ जाएगा फिर प्लस फिर -1 की पावर जे, जे का जो कॉलम है और जो रो है। ठीक है, तो इसका पहला रो है और दूसरा कॉलम है, पहला रो दूसरा कॉलम। अब पहली रो भी निकल जाएगी कॉलम भी निकल जाएगा, अब बाकी बचेगा आपके पास AX AZ BX और BZ प्लस -1 की। ये -1 क्यों आ रहा है, को फैक्टर माइनर, ये मैथ में पढ़ेंगे। बस अभी मैं सिर्फ एक माइनस आता है इसलिए समझा रहा हूँ कि पहली रो तीसरा कॉलम इंटू के, इधर सॉरी जे भी आना था के। अब क्या होगा, के का कॉलम भी उड़ जाएगा, के की रो भी उड़ जाएगी, तो क्या बचेगा AX AY BX over into BY। अगर आप लोगों में से किसी ने कभी डिटर्मिनेंट 2x2 का सॉल्व किया है ABCD, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि ए को डी से ज़रब दे के माइनस कर देते हैं बी से सी, क्या होता है ए प्राइमरी में से प्राइमरी को ज़रब दे के उसमें से सेकेंडरी को माइनस कर देते हैं। तो इसी चीज़ को मैं ज़रा इधर अप्लाई करूँगा तो आप देखिएगा -1 की पावर 2 तो आंसर बचेगा आई, क्योंकि -1 की पावर 2 तो आंसर हो जाएगा प्लस, तो बचेगा आई। आप इसे देखें AY BZ AZ BY, क्लियर। -1 की पावर 3 तो आंसर बचेगा माइनस, तो J इंटू AX BZ AZ BX, ठीक है, प्लस -1 की पावर 4 आंसर फिर प्लस का बचेगा और इधर बचेगा K, क्या बचेगा AX BY AY BX। ठीक है, कर क्या रहा हूँ, मैं इसके इसको इससे ज़रब दे के माइनस, इसको इसमें से माइनस कर रहा हूँ, इसको इससे ज़रब दे के प्राइमरी को ज़रब दे के सेकेंडरी माइनस कर रहा हूँ, प्राइमरी को ज़रब दे के सेकेंडरी माइनस कर रहा। अब आ जाए इधर, क्या इसको मैं से लिख सकता हूँ AY BZ AZ BY into IZ माइनस, इसमें से मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये माइनस की टर्म प्लस हो जाएगी और ये माइनस, और ये माइनस जो बाहर जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस कर देगा, तो बचेगा AZ BX AX BZ into JZ। किया क्या है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस में या इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर से माइनस गया तो बाहर बचेगा प्लस, ये माइनस हो जाएगी टर्म है ये प्लस, तो जो प्लस हो जाएगी वो पहले आ जाएगी और बाद वाली जो माइनस है वो बाद में, ये जे है प्लस AX BY AY into BX into KZ। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो निकाला था वो यही चीज़ थी पहले, इसमें ये जो सारी टर्म है ये जो सारी टर्म है ये आपके पास CX, ये वाली टर्म CY है और ये वाली टर्म CZ है। तो मैंने दोनों आपको मेथड बताए हैं, जो मेथड आपको आसान लगे आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये वाला मेथड ज़्यादा आसान है, तो बुक ने जो किया हालांकि दूसरे से भी किया लेकिन ये वाला मेथड ज़्यादा ही, तो आप इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हो। अच्छा, ये था आपका पॉइंट नंबर 4। इसके अंदर मैंने एक चीज़ बतानी थी, वो चीज़ ये बतानी थी, अगर आप आई को देखो तो इसके साथ जो इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं उसमें कहीं पर भी आई किसका होता है भाई, एक्स का, लेकिन इस पूरी वैल्यू में आपको एक्स नहीं नज़र आएगा। जे देख रहे हैं जे, ये जे वाई का होता है लेकिन इस पूरी वैल्यू में वाई नहीं नज़र आएगा। तो ये वही वाली पॉइंट 2 है कि जिसमें 2 वैक्टर्स होंगे रिजल्ट 3rd में आएगा, तो अगर जेड और एक्स में तो जवाब जे में वाई में आ रहा है।
ये k है तो इसमें z नहीं नज़र आएगा, तो इधर से भी आप देख सकते हो i है तो इधर x नहीं नज़र आएगा, j है y नहीं नज़र आएगा, k है तो z नहीं नज़र आएगा। ये था आपका पॉइंट नंबर 4। आगे हमारे पास है जी लास्ट पॉइंट पैरेललोग्राम वाला। पॉइंट नंबर 5, एरिया वाया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। असल में जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये वेक्टर ए है, इसको आप मल्टीप्लाई करो इससे वेक्टर बी से, अगर आप इन्हें थोड़ा सा एक्सटेंड करो यूं करके, ठीक है, और इसी तरह इसका एक जेरोक्स कॉपी इधर पकड़ के लगाओ बी का, ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा होगा ये बन रही है एक आपके पास पैरेललोग्राम। जाहिर सी बात है ये पैरेललोग्राम है, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, ये जो एरिया है वो ये वाला है ना, ये वाला, ये अंदर जो इसके एरिया, ये कितना होगा? वो कहता है कि ये जो एरिया है ये असल में क्या होगा कि जो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, मीन के ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, इसमें जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये जो आपके पास मैग्नीट्यूड है, इधर सॉरी एंगल भी था, ये जो मैग्नीट्यूड है ये वाली वैल्यू इसका जो आंसर बनेगा, और इस इन दोनों से बनने वाली जो पूरी पैरेललोग्राम है उसका जो एरिया है ये असल में क्या होंगे, बराबर होंगे। मींस कि मैग्नीट्यूड ऑफ, इधर मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इज आल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दीज वेक्टर्स। तो इन वेक्टर से बनने वाली जो पैरेललोग्राम है उसका जो ये जो एरिया अंदर का है वो असल में इन दोनों के ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो कोई बंदा ये ना कहे कि भाई बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर क्यों नहीं है, तो अगर बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड लिखो तो वो भी यही बनता है, ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड जो है इसका वो ये है। तो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए, यानी कि एरिया क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो चौड़ाई ज़रब लंबाई जो मर्जी कर लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपको पता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का सेम होता है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये थे आपके 5 करेक्टरिस्टिक वैक्टर प्रोडक्ट के, और ये वैक्टर प्रोडक्ट का पूरा टॉपिक। इसमें अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट में बताएं, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।